वंशी विभूषित करायन विनीर दाभा पीतांबरा दरुण वेंब फला धरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि दत्त्वमहं न जाने ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अज्ञाने तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगो जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार श्री वृष भानु की लाडली लिख मेरी जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी जिद जोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो जय जय श्री राम। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात ठाकुर जी की पावन पवित्र कथा को हम आप सभी श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 ओ माँ।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। आनंद कंदजे नंदन भगवान श्याम सिंधु युगल सरकार राधा गोविंद जो शब्द रूप में श्रीमद् भागवत स्वरूप शब्द रूप में श्रीमद् भागवत स्वरूप में हमारे सामने विद्यमान है। आइए प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए इस भागवती गंगा में प्रवेश करते हैं। गंगा के तट पर अनशन व्रत धारण करके महाराज परीक्षित अपनी मुक्ति का उपाय करने के लिए अपने उद्धार के लिए बैठे हैं। सातवें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी मुक्ति कैसे है? इन सात दिनों में मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए? हम सब कुछ प्लान करते हैं पर विचार नहीं है, बात है, हम अपनी मौत की प्लानिंग नहीं करते हैं, है ना? हम मृत्यु की प्लानिंग नहीं करते हैं कि हमारी मौत आएगी, मृत्यु आएगी तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए। कभी भी मृत्यु आ जाए हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमें बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मकान दुकान चाहिए, बच्चों के लिए क्या क्या हमें करना, वो सब योजना बनाते हैं लेकिन हम मरेंगे इस बात को भूल जाते हैं। करिष्यामि 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 अतिचिन्तयेत, मैं करूंगा करूंगा करूंगा, इसी चिंतन में हम भूल जाते हैं मरिष्यामि 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 अतिविस्मृतम, मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा, मौत भी आएगी। कैलाश पर्वत का उतरंग शिखर भगवान भूत भावन भोलेनाथ माता भवानी से कहते हैं, देवी गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न मिलहि सो कहते वेद पुराण। संत समागम हरी कथा तुलसी दुर्लभ दोए सुत दारा अरु लक्ष्मी, ये तो पापी के भी हुए। ध्यान देना, बेटा बेटी नाती पोता घर मकान संपत्ति यदि ये हमारे पास में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो पापियों के पास में भी होता है। धन तो रावण के पास में भी था, है ना? सोने की लंका थी जिसका घर ही सोने का, नगर सोने का था, परिवार की कमी तो वहां भी नहीं थी, बेटा बेटी सब थे, संपत्ति की कमी नहीं थी, ज्ञान की भी कमी नहीं थी, विद्वान था रावण। लेकिन फिर भी रावण का क्या हुआ? सर्वनाश। क्यों? सब कुछ था लेकिन सत्संग नहीं था, कथा नहीं थी, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, इस संसार में यदि कुछ भी दुर्लभ है तो बस यही दुर्लभ है, भगवान की कथा और संतों का समागम, ये आसानी से नहीं मिलता है।
अगर ये आपको मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप सबसे बड़े धनाढ्य हैं, सबसे बड़े धनवान हैं, सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैंने प्रथम में भी निवेदन किया था, भगवान की कथा में पहली बात तो व्यक्ति जाता नहीं है, और अगर जबरदस्ती या किसी के कहने पर वो चला भी जाएगा तो वहां जाकर के उसका मन नहीं लगता है, वो विचलित होता है, उसका मन बेचैन होता है। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था, पर पड़ोसियों के कहने पर मैं चला आया। मन ही नहीं लग रहा। उस व्यक्ति से पूछो तुमने क्या सुना, तीन घंटे बैठे थे कथा में, वो कहेगा बैठे तो थे पर समझ में नहीं आया। ऐसा व्यक्ति यदि कथा में चला भी जाएगा ना, तो ना तो उसको कथा से मतलब है, ना कथा सुनाने वाले से मतलब है। वो जाकर बैठ भी जाएगा तो क्या कहेगा, व्यवस्था तो सब ठीक है पर थोड़ा गद्दे अच्छे बिछाने चाहिए। कथा तो सब ठीक ही हो रही है पर प्रसाद में व्यास जी मेवा थोड़ी कम देते हैं, ज्यादा ज्यादा मिलनी चाहिए। कथा सब ठीक है, डेकोरेशन थोड़ी कम है और होनी चाहिए। कथा तो जो हो रहा है वो ठीक ही है, चार घंटे तीन घंटे चल रही है, पर क्योंकि जो वास्तव में कथा का प्रेमी होगा उसको तुम्हारी डेकोरेशन से मतलब नहीं है, उसको तुम्हारी व्यवस्था से मतलब नहीं है, उसको तुम्हारे प्रसाद से मतलब नहीं है, उसको तुम्हारे लंगर से मतलब नहीं है। वो जाएगा और जाकर के प्रेम से कथा को सुनेगा। आज मैंने सुना, आज मैंने फलानी बात बहुत अच्छी सुनी, जो वास्तव में प्रेमी होगा। इसलिए वेदव्यास जी जब भागवत की रचना करते हैं ना, तो निमंत्रण देते हैं। किसको निमंत्रण देते हैं? बोले रसिका भुवि भावुकाः, मैं रसिक लोगों को बुलाता हूँ, मैं भावुक लोगों को बुलाता हूँ, कथा सुनने आए। बाकी लोगों को निमंत्रण ही नहीं दिया, रसिक और भावुक प्रेमी आए। तो किसी ने पूछा था व्यास जी से, क्यों भाई आपने ऐसा क्यों नियम लगा दिया, रसिक और भावुक ही आएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये तो अच्छी बात नहीं, आपने जो ग्रंथ का निर्माण किया है, समाज के कल्याण का ग्रंथ है, पर आपने तो वहां पर भी पाबंदी लगा दी कि रसिक और भावुक आएंगे, दूसरे जन नहीं आ सकते। तो व्यास जी कहते हैं आ तो सब सकते हैं, पाबंदी तो नहीं है, कोई भी आए, पर मेरा निमंत्रण तो रसिक और भावुकों के लिए ही है। क्यों? बोले जो प्यासा होता है वो ही पानी की कीमत को जानता है, जिसे प्यास ही नहीं वो पानी की कीमत को क्या जान जाए। जब भूख होती है तो भोजन में स्वाद आता है, और जब भूख नहीं है ना तो छप्पन पग भी रखे हो महाराज, देखने का मन नहीं करता है। जब प्यास लगती है तब व्यक्ति जल खोजता है। अभी देखो परसों कितनी गर्मी बन रही थी, कथा में भी गर्मी लग रही थी, और आज देखो एक पंखे में भी ठंडी लग रही है ना। आज मौसम बढ़िया है, आज जरूरत ही नहीं है पंखा चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? सवेरे से बरखा लगी है, आज चाहिए ही नहीं हमको पंखा। तो प्यासा व्यक्ति ही पानी की कीमत को जानता है, जिसको प्यास ही नहीं। इसलिए जो कथा का प्रेमी होगा, जो रसिक होगा, जो भावुक होगा, वो कथा में पहुंच ही जाएगा। बारिश लगी है फिर भी छाता लेकर के आप पहुंच ही गए कथा में। और जो प्रेमी नहीं होगा ना, वो अभी भी बैठा होगा बहाना लगा के, क्या करें, जाने का मन तो था पर बारिश हो रही है, क्या करें, जाते तो जरूर आज, प्लानिंग तो पूरी की थी पर बारिश लगी है, जा नहीं सकते।
और जिसको प्रेम होगा कथा से वो व्यक्ति मन में विचारेगा, अरे भीग भी जाएंगे तो क्या होगा, सूख जाएंगे पर कथा में जरूर जाएंगे, आज कथा में जरूर जाएंगे। बेनागा कथा सुननी है हमें, एब्सेंट नहीं होना है, प्रेजेंट रहना है। इसलिए रसिक और भाव, भगवान शुकाचार्य वक्ता बनकर के व्यास मंच पर बैठे हैं और परीक्षित श्रोता बनकर के बैठे हैं, वो सुनाने के लिए बैठे हैं, परीक्षित सुनने के लिए बैठे हैं, परीक्षित प्रेमी हैं, परीक्षित रसिक हैं, भावुक हैं। ध्यान देना, कथा भी वही प्रकट होती है जहाँ पर सुनने वालों की जिज्ञासा होती है, सुनने वालों की चाह होती है, सुनने वालों का प्रेम होता है। अरे महाराज परीक्षित ना होते तो सुखदेव जी काहे को आते? कल सुन रहे थे यार आप, परीक्षित घर छोड़कर आए कि मुझे उद्धार करना है, मुक्ति करनी, तभी तो सुखदेव जी आए कथा सुनाने। नहीं, सुखदेव जी को क्या मतलब था? तो कथा कहाँ होती है? वक्ता कथा नहीं सुनाता है, श्रोता लोगों की जो जिज्ञासा होती है, जो प्रेम होता है, वही वक्ता बोलता है। श्रोताओं की जिज्ञासा से वक्ता सुनाता है। किसी भी वक्ता में सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ बोल पाए, कभी वक्ता नहीं बोल सकता, श्रोताओं का प्रेम ही है जो उसको बुलवाता है, उनकी जिज्ञासा बुलवाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वक्ता कब बनता है? वक्ता जब श्रोता होते हैं, श्रोता, श्रोता माने आप लोग सुनने वाले, तो वक्ता वक्ता बनेगा सुनाने वाला। लेकिन यदि श्रोता ही बन जाएंगे सोता, कथा में सोने वाले, तो फिर वक्ता भी बन जाएगा बकता, कथा में बकने वाला। बकने वाला मतलब घड़ी लगा करके टाइम से आए, दो चार घंटे जो भी समय है अपना इधर उधर की फालतू की बातें की और टाइम से अपना चले गए। उनको कोई मतलब नहीं है कथा से, क्यों? जब सुनने वाले ही सो रहे हैं तो काहे को फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। वक्ता तो तब बोलता है जब श्रोताओं की जिज्ञासा होती है, श्रोताओं की चाह होती है, उनकी लालसा। जब श्रोता लोग प्रेम से बैठकर कथा सुनते हैं ना, तब वक्ता कथा सुनाता है। वक्ता के मन में ध्यान देना, मैं कुछ भी सोच कर आऊं कमरे से कि मुझे आज ये सुनाना है, मुझे आज ये सुनाना है, तैयारी होती है ना, मैंने भी प्लानिंग की होती है, आज मुझे 3 घंटे का ये चैप्टर लेकर चलना है। लेकिन जब यहाँ आकर बैठते ना व्यास मंच पर, तो फिर यहाँ की प्लानिंग अपने आप चेंज हो जाती है। जो सोचा हुआ है वो याद ही नहीं आता, और यहाँ बैठने के बाद आप सबके चेहरे देखने के बाद कुछ और ही याद आता है, सब बदल जाता है। फिर 4 घंटे जब 3 घंटे हो जाते हैं, तब आरती के बाद जब चिंतन होता है, तब अरे ये तो हमें सुनाना था, ये रह गया, ये तो सुनाया ही नहीं, इस कथा के बारे में तो सोचा ही नहीं था, वो सुना दिया। वक्ता नहीं बोलता, आप सबका प्रेम है वो बुलवाता है। हमारे बिहारी जी इतना साजो श्रृंगार करके क्यों खड़े रहते हैं, इतना क्यों सजते हैं, दर्शन देने के लिए क्यों तैयार रहते हैं? अरे भैया, बिहारी जी तैयार इसलिए होते हैं जब हम लोग दर्शन करने जाते हैं, और इतनी भीड़ मंदिर में ना लगे तो बिहारी जी काय को सजेंगे, काय को संवरेंगे, है ना? उनको भी पता है फलाने फलाने जगह से मेरे भक्त मुझे रोज देखने के लिए आते हैं, भीड़ लगती है, ताता लगता है, तो मुझे सजना चाहिए, मुझे संवरना चाहिए। रोज आप अभी हमारे वृंदावन में आइए तो नित प्रति फूल के बंगले बने हैं बिहारी जी, फूलों से पूरा मंदिर सजाया जाता है, बिहारी जी की पोशाक भी फूलों से बनाई जाती है, दर्शन देते हैं बिहारी जी हर दिन, अलग अलग रंग की पोशाक धारण करके रखते हैं। मंदिर में परमात्मा दर्शन तब देते हैं जब दर्शन करने वाले भक्त मंदिर में आते हैं। भक्त ही ना होंगे तो भगवान काहे को दर्शन देंगे? जब श्रोता ही ना होंगे तो वक्ता क्या सुनाएगा? जहाँ श्रोता है वहाँ वक्ता है, और वहीं पर कथा प्रकट है।
भगवान शुकाचार्य कथा सुनाते हैं। परीक्षित कथा सुनने के लिए जिज्ञासु बनकर बैठे हैं। सुखदेव कहते हैं, राजन तुम सुनने बैठे हो, मैं सुनाने बैठा हूँ। हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, मंजिल एक है। तुम्हें भी उसको पाना है, मुझे भी उसको पाना है। बस तरीका थोड़ा चेंज है। तुम सुन करके पाना चाहते हो और मैं सुना करके पाना चाहता हूँ। कथा होती है ना जब, तो कथा देखो एक कहानी नहीं है, किस्सा नहीं है, कोई नाटक नहीं है। कथा दर्शन है, कथा दर्पण है। हम कथा में जब सुनने के लिए बैठते हैं तो ये कथा जब चलती है ना, धारा प्रवाह कथा होती है। तो आप कभी भी विचार कीजिएगा, अगर आप सच्चे मन से भाव से कथा को सुन रहे हैं तो वो दर्शन, वो चित्र आपकी आंखों के सामने बन जाता है। कि वृंदावन की बात आएगी ना, तो आप भले ही यहाँ पनियाला में बैठे हैं, पर आपका दिमाग एकदम पहुंच जाएगा, मन वहां पहुंच जाएगा कि यमुना का किनारा है, वहां ब्रज रज है, बिहारी जी खड़े हैं, मुरली बजा रहे हैं, गौएं चरा रहे हैं। हरिद्वार की बात आए तो आप तुरंत मन वहीं पहुंच जाएगा कि हम गंगा में स्नान कर रहे हैं, भले ही आप पनियाला में बैठे हैं। कथा दर्शन कराती है। आप जो सुनते हैं वो चित्रण तैयार हो जाता है, वो पिक्चर चलती है हमारी आंखों के सामने। ऐसा लगता है हम शरीर से तो बैठे हैं पर मन हमारा वहीं पहुंच गया है। कथा दर्पण है, कथा दिखाती है। क्या दिखाती है? दर्पण के आगे जब हम मुंह देखते हैं तो दर्पण क्या दिखाता है? क्या दिखाता है? दर्पण झूठ ना बोले, दर्पण वही दिखाता है जैसे आप हैं वैसा ही दिखाएगा, है ना? वो एक गांव में मेला लगा था ना, तो मेला जब लगता है तो दुकानें लगती है मेले में, तरह तरह के खेल खिलौनों की, सामानों की, घर के साज सज्जा की। तो गांव की एक कन्या मेले में जाती, हर साल जैसे मेला लगता है गांव वाले देखने जाते हैं। तो वो जो कन्या थी बड़ी सुंदर थी, उसने 2 रुपए वाला दर्पण दिखाया। जैसे ही उसने अपना मुख देखा, झुर्रियां पड़ी हुई हैं, खाल लटक रही है, आंखें गड्ढे में घुस गई हैं, वो बोली ये दर्पण अच्छा नहीं है, महंगा वाला दिखा। उसने 5 रुपए वाला दिखाया। जैसे ही उसने अपने मुख के आगे किया, काला चेहरा है, सुंदरता फीकी पड़ गई है, वो बोली ये भी अच्छा नहीं है, सस्ता मत दिखा। महाराज वो बात ही नहीं है, वो कहती है तेरी दुकान में जो भी सबसे महंगा दर्पण हो वो दिखा, ये दर्पण ठीक नहीं है, सबसे महंगा दर्पण 50 रुपए का। जैसे ही उस बुढ़िया को दिया, मुंह के आगे लगाया, चेहरा फीका पड़ा है, वो तुरंत उसके हाथ में देके कहती है कैसे दर्पण दिखा रहा है? मैंने कहा बढ़िया वाला, महंगा वाला, पैसे की चिंता मत कर, बढ़िया दर्पण दिखा। वो कहता है मेरी दुकान का सबसे महंगा वाला दर्पण था, इससे महंगा कोई दर्पण नहीं, तुझे लेना तो है नहीं, फालतू में समय बर्बाद कर रही है। वो कहती है कि पहले जब मैं तेरी दुकान से दर्पण लेती थी तो दर्पणों में मेरा चेहरा बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता था, पर आज इस दर्पण में चेहरा अच्छा क्यों नहीं दिखाई पड़ता? दुकान वाला बोला खोट दर्पण में नहीं है, खोट तेरे चेहरे में है। दर्पण तो आज भी वही दिखा रहा है जो पहले दिखाता था, पहले तू जैसी थी वो दिखाता था और आज तू जैसी है वो दिखा रहा है, क्योंकि दर्पण झूठ ना बोले। लाखों रुपया खर्च करके भी आप दर्पण से कहो कि तू मुझे सुंदर दिखा दे, दर्पण दिखाएगा क्या? आप जैसे हैं वैसा ही दिखाएगा। तो ये कथा भी दर्पण है जो हमारा जीवन दर्शाती है, हम कैसे हैं ये कथा हमको दिखाती है।
हमें क्या करना चाहिए ये कथा हमें दिखाई। आप क्या कर रहे हैं, आप किस मार्ग पर चल रहे हैं ये कथा दिखाई। कथा दर्पण, कथा दर्शन। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं। देखो कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है ना, कोई रोगी हो तो डॉक्टर का काम क्या होता है? सिर्फ दवाई से उसका रोग दूर नहीं करना है। डॉक्टर का काम होता है कि वो उसको दिलासा दे, वो उसको धैर्य बंधाए। भले ही डॉक्टर ये जानता है कि इसका रोग गंभीर है, ये बचने वाला नहीं है, दो चार महीने में मर जाएगा, 10-15 दिन की इसकी आयु है, लेकिन फिर भी डॉक्टर का काम होता है कि वो उसको एकदम से बोलेगा नहीं कि तू तो मरने ही वाला है। नहीं, डॉक्टर का काम है उसको दिलासा देने का, धैर्य बंधाने का। तू क्यों चिंता करता है, बहुत लंबी आयु है तेरी, रोग है पर मैं हूं ना, मैं ठीक करूंगा। दो चार दिन रखेंगे तुमको आईसीयू में, भर्ती रखेंगे, दो चार छोटे छोटे ऑपरेशन होंगे, कुछ इंजेक्शन लगेंगे, कुछ दिन दवाई लोगे, ठीक हो जाओगे, बिल्कुल चिंता मत करो। डॉक्टर का काम है, भले ही डॉक्टर जानता है कि तो मरने ही वाला है, फिर भी वो कहता नहीं है। तो सुखदेव जी भी तो डॉक्टर हैं, और कैसे डॉक्टर, सकुशल डॉक्टर हैं सुखदेव जी। और रोगी है परीक्षित, उनको पता है ये मरने वाले हैं, ये सातवें दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सुखदेव जी कहते हैं क्यों चिंता करते हो, 7 दिन तो बड़ा लंबा समय है, हम हैं ना, 7 दिन ऐसी कथा सुनाएंगे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? ये भय यदि परीक्षित के हृदय में बना रहता ना कि मैं मरूंगा, मैं मर जाऊंगा, सातवें दिन में मर जाऊंगा, आज पहला हो गया, दूसरा हो गया, तो सुखदेव जी मन में विचार करते हैं कि परीक्षित को मैं कितना भी ज्ञान दे जाऊं, कितनी भी बढ़िया कथा सुना जाऊं, फिर भी परीक्षित नहीं, क्योंकि ये डर इसको सुनने नहीं देगा, ये भय इसको सुनने ही नहीं देगा। इसलिए कथा बाद में सुनाऊंगा, पहले भय दूर करूंगा। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी क्यों चिंता करते हो, हमारे कन्हैया जादूगर हैं, उनका जादू ऐसा है जब एक बार सिर पे चढ़ जाता है तो महाराज उतरने का नाम ही नहीं लेता, क्यों टेंशन करते हो। वो है ना ठाकुर, वो बिहारी जी ऐसा जादू करेंगे 7 दिन में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कि जादूगर श्याम मेरा दिल लूट ले गया, सोना जया मुखड़ा मैं देखदा ही रह गया। जादूगर श्याम मेरा दिल लूट ले गया, सोने जया मुखड़ा मैं जल्दी से आपको बिहारी जी जल्दी से जल्दी बुलाएंगे, लेकिन मोबाइल में फोटो में टीवी में तो देखा ही होगा बिहारी जी को, कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। आप एक बार जाकर सामने खड़े हो जाइए महाराज, उनकी नजर आप पर जब पड़ेगी तो ऐसा दिल चुराते हैं, टकटकी लगाकर देखते ही रह जाते हैं, पीछे से धक्का लगता है, आगे बढ़ो, होश ही नहीं रहता। वो है ही ऐसा जादूगर, एक बार बस उसके चरणों में आप चले जाइए, एक जादूगर श्याम। Yeah.
जरूर मिलता है। आप जाइए तो सही, वहां जाने वाला खाली
याद वापस नहीं आता, उसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता ही नहीं। जादूगर श्याम मेरा दिल लूट ले गया,
बस उनसे यही तो प्रार्थना करनी है कि आपकी सेवा में ये जिंदगानी बीते, आपकी सेवा में ये जीवन बीते, बस यही चाहते हैं। बड़भागी होते हैं वे लोग जो कृष्ण नाम में जिंदगानी बीतती है, सौभाग्यशाली होते हैं। इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत कृपावान समझती हूँ, मैं तो अपने आप को बहुत बड़भागी समझती हूँ कि ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर। ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, भारत भूमि में जन्म मिला, शिव वृंदावन धाम में जन्म मिला, ब्रज में जन्म मिला, ब्रजवासी परिवार में जन्म मिला। कितनी बड़ी कृपा है। और कुछ नहीं तो अपनी ही कथा सुनाने का अवसर भी प्रदान कर दिया। उनका ही नाम, उनकी ही कथा, उनका गुणगान जन जन तक पहुंचाना, और कोई काम ही नहीं है। एक बार किसी ने पूछा था हमसे, बोले ठीक है आप भगवान की कथा करते हैं, लेकिन आपकी जीविका कैसे चलती है, कमाई का साधन क्या है, और आपका घर बार कैसे चलता है। अब भैया घर बार तो चलाना पड़ेगा, बाबा जी तो हैं नहीं, गृहस्थी हैं, हमारा भी परिवार है। जैसे आप लोग गृहस्थी हैं, हम भी गृहस्थी हैं। अब जोगी बाबा होते तो कुटिया में रहना है, बनो कुटिया मत बनो, कहीं भी रह जाओ, पर हमारी भी गृहस्थी, हमारा भी। तो बोले आपकी जीविका कैसे चलती है। मैंने कहा हमारी तो जीविका ही यहीं से चलती है, और कोई काम ही नहीं है। बोले नहीं, ये तो भगवान का नाम प्रचार करना है, ये तो अलग हो गई ना बात, और काम क्या है आपका। यही काम है भैया, यहीं से जीविका चलती है, यहीं से पेट पालन होता है, और यही भगवान का गुणगान। और देखो कितनी बड़ी, कितनी बढ़िया नौकरी है ठाकुर जी की। एक तो नौकरी वो होती है, ऑफिस जाना पड़ता है, बॉस के ताने सुनने पड़ते हैं, है ना, नौकर बन करके रहना पड़ता है। कभी कभी झुंझला जाते हैं हम लोग, देखो चार बात सुना दी हमको बॉस, थक जाते हैं। लेकिन यहाँ बॉस भी कौन है, मालिक परमात्मा। अगर चार बात सुना भी देगा तो क्या फर्क पड़ता है, हम तो चाहते हैं कि तू सुनाए तो सही, हम गलती करें और तू हमको टोके तो सही। फिर किसी ने पूछा फिर आपकी तनख्वाह क्या है, मैंने कहा वहां तो नौकरी करने में एक लिमिटेड सैलरी होती है, उतनी मिलेगी, पर यहाँ तो तनख्वाह कोई लिमिटेड है ही नहीं। ठाकुर जी की कृपा है महाराज, मिल जाए तो बहुत मिल जाए, और ना भी मिले तो उसका गम नहीं होता। क्यों? अगर कुछ ना भी मिले तो महाराज कम से कम सात दिन भगवान का गुणगान तो होता ही है, राधे राधे तो गाते ही है। जो लोग आसानी से ले नहीं पाते, कम से कम हम वो तो करते ही। कितनी बढ़िया नौकरी, कितनी बड़ी कृपा। बस यही सोचना, उसको सुनना और उसको ही सुनाना। भाई सुनना भी उसी को है, क्यों? जैसा सुनेंगे वैसा ही तो सुनाएंगे, सुनेंगे नहीं तो सुनाएंगे कहां से। वक्ता का एक गुण होता है, ध्यान देना, वक्ता बहुश्रुत होना चाहिए। बहुश्रुत माने बहुतों को सुनने वाला होना चाहिए, ये वक्ता के लक्षण होते हैं। जो वक्ता सुनता है वही सुना सकता है, क्योंकि जो सुनेगा नहीं वो सुना भी नहीं पाएगा। ज्यादा सुनना चाहिए वक्ता को, उसी को सुनना और फिर उसी को सुनाना। बस 24 घंटे यही चिंतन करना, उसी का नाम अब क्या सुनाना है,
अब सुना दिया। जैसे कई जगह हर साल लगातार कथाएं होती हैं। अभी आपके टोनी देवी के पास एक लगवाल बस्ती गांव है, तो पिछले वर्ष भी हम वहां पर आए थे, इस वर्ष भी होली पर वहां आना हुआ। तो जब एक बार कथा हो जाती है फिर दोबारा के लिए वो लोग बुलाते हैं, तो कमेटी हो या पर्सनल कोई बुलाए तो यजमान लोग कहते हैं, बोले व्यास जी पिछली बार भी सुनी थी तो अब की बार कुछ नया नया सुनाना, कुछ नई नई कथा, कुछ चेंजिंग करके सुनाना, अलग अलग भजन सुनाना। तो कितना बढ़िया लगता है कि पहले ये सुनाया था अब कुछ हटके सुनाएंगे। कथा तो वही है, भागवत का प्रारूप तो वही चलता है, लेकिन उसमें हमें राम कथा का भी संपुट जोड़ना है, उसमें हमें भक्तों के चरित्र को भी जोड़ना है, कुछ अलग हटके वही सुनना वही सुनाना। कितनी बड़ी कृपा है कि हर समय भगवान ने ऐसी नौकरी दी है कि बस मेरा ही चिंतन करोगे, मेरे बारे में ही सोचोगे। पिछली बार जब आपके यहाँ आपदा आई थी ना, तो हमारे घर में भी आपदा आई थी, क्योंकि आपके हिमाचल में जब ज्यादा बारिश होती है, बादल वगैरह जो फटते हैं, तो हमारी यमुना में पानी आता है, बाढ़ आ जाती है, और हमारा घर भी यमुना के नजदीक ही है। तो आपके यहाँ जो आपदा आई तो पहले तो आपके यहाँ आई, फिर वही पानी हमारे यहाँ पहुँच गया, तो हमारे यहाँ भी बाढ़ आई। अगर फेसबुक पे आपने देखा हो मोबाइल, हमारे घर में भी पानी आया और करीब घुटने घुटने पानी घर में भर गया। और चार दिन बाद हम लोगों की कथा थी हरिद्वार में, पुरुषोत्तम मास था, हरिद्वार में कथा थी, हरिद्वार में जाना था। रात भर नींद नहीं आई, पानी बढ़ रहा है। तीन चार दिन पहले से शिफ्टिंग की है हमने, व्यवस्था की पूरा। अब आप जानते ही हैं गृहस्थी है भाई, जोगी बाबा होते तो एक आध कमंडल उठाओ, झोली आसन उठाए और चल दिए, पर पूरा घर शिफ्ट करना बड़ा। तीन चार दिन से रात भर दिन भर नहीं सोए, और जिस रात पानी आया पूरी रात नींद नहीं। चलो सामान तो रख दिया, पर अब ये चिंता लगी थी, हे प्रभु अब कथा कैसे हो। इस परिस्थिति में घर छोड़कर जाना, बच्चे हैं परिवार है सबको छोड़कर जाना संभव कैसे है। ठीक है, मना कर देते हैं कमेटी से कि भाई नहीं हो पाएगा, हम लोग नहीं आ पाएंगे, आठ दस दिन आगे बढ़ा देते हैं कथा। पूरी रात यही चिंतन चलता रहा। प्रातः काल मैंने फोन करना ही था, लेकिन 10 मिनट बाद बस एक विचार मन में आया, चार दिन का समय है तो क्यों ना चार दिन पहले देख लिया जाए, क्या पता पानी निकल जाए, क्या पता परिस्थिति अनुकूल हो जाए, देखते क्या होता है। हे ठाकुर जी, कथा तो होगी और नहीं होगी तो उसमें भी बेइज्जती मेरी नहीं तेरी होगी। क्यों? हमारे बेटा बेटी की शादी होती तो हो सकता है हमारी बेइज्जती होती, पर कथा तो तेरी है हमारी तो है, जो होगा अब तू जाने तेरा काम जाने, अब तुझे कथा करवानी होगी तो हो जाएगी। छोड़ दिया उस कन्हैया पे। अगले ही दिन संध्या काल से पानी कम होना शुरू हो गया, घर से पानी निकल गया, 24 घंटे के अंदर सारा पानी निकल गया। परिस्थितियों को अनुकूल थोड़ा सा व्यस्तताएं तो बढ़ी, थोड़ा सा परेशानी तो बढ़ी, लेकिन कथा समय पर उसी दिन प्रारंभ हुई, कथा हुई, सब कुछ अनुकूल हुआ। ये ठाकुर जी की कृपा नहीं तो क्या है। मरना तो ठीक है 7 दिन नहीं था, पर गृहस्थी में फंसे फंसे मर जाता। अब कम से कम 7 दिन मैं कथा सुनूंगा, अपने आप को मुक्त कर लूंगा। बोलो भागवत महापुराण जय हो। ऐसे हैं राजा परीक्षित, तभी तो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। सुखदेव का एक नाम है ब्रह्मराज, परीक्षित का एक नाम है विष्णुराज। दोनों का संबंध परमात्मा से है, इसलिए आज दोनों का मिलन हुआ और भागवत कथा प्रकट हुई। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज
ये मन बहुत चंचल है, टिकता नहीं है। तन से तो बैठ जाते हैं कथा सुनने पर मन नहीं लगता है, कैसे लगेगा ये मन? मन को एकाग्र करने का क्या उपाय? तब भगवान शुकाचार्य राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मन को एकाग्र करना है, चार बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मन को एकाग्र करने के चार उपाय हैं। पहली बात जितासनो, व्यक्ति को आसन जीतना चाहिए, जितना ज्यादा हो सके एक आसन पर बैठे। मैंने एक दिन निवेदन दिया था, आलती पालती मारकर जितना ज्यादा देर बैठ पाओगे आप अपने मन को एकाग्र कर पाओगे। मन को एकाग्र करने का उपाय है आसन को जीतो। जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त करो। जित संगो, संग को जीतो। संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति, मानव के अंदर दोष भी आते हैं संग करने से और गुण भी आते हैं संग करने से, इसलिए बुरी संगत से बचो, जितना हो सके अच्छी संगत करो। कहते हैं ना, जैसा करो संग तो वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी तो वैसी बोलो वाणी, और जैसा खाओ अन्न तो वैसा होवे मन। ये संगत की रंगत जरूर चढ़ती है, ध्यान देना। आप सत्संगियों का संग कीजिए, प्रेमियों का, संतों का संग कीजिए, आपके हृदय में सत्संग उतरेगा। और ज्वारियों का संग कीजिए, शराबियों का संग कीजिए। दो चार दिन, 10-20 दिन ज्वारियों के साथ में रहने लगो, पत्ते फेंकना खुद ब खुद आ जाएगा, सिखाना नहीं पड़ेगा। महीना दो महीना शराबियों का संग करो, पैक लगाना खुद जान जाओगे, कोई बताएगा नहीं। और 10-20 दिन सत्संगियों का संग करो, प्रेमियों का, रसिकों का संग करो, राधे राधे ऑटोमेटिक मुख से निकलेगा, बताना नहीं पड़ेगा, कहना नहीं पड़ेगा, राम राम खुद ब खुद मुंह से निकलेगा। संगत की रंगत चढ़ती है। कोई बच्चा बुरी संगत में जब पढ़ने लगे और माता उसे टोके कि बेटा तेरी संगत अच्छी नहीं है, संगत बदल, तेरे दोस्त अच्छे नहीं है, तो बालक क्या कहता है? माँ मेरे दोस्त गलत काम करते, नशा करते, मैं नहीं करता। वो दोस्त है मेरे, वो पीते, मैं नहीं पीता। तू भरोसा रख, अरे मैं तेरा बेटा हूँ, मैं कभी नहीं, जीवन में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा शराब का, मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अरे वो लोग करते, मैं नहीं करता, मैं जाता हूँ पर मैं करता नहीं। ये कितना भी कहे नहीं करता नहीं करता नहीं करता, पर एक न एक दिन ये जरूर करेगा, ये गारंटी है। कितना भी ये कहे कि मैं नहीं पीता, पीने वालों का संग करेगा तो जरूर पिएगा, निश्चित। इसलिए पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते थे, अच्छी संगत करो, बुरी संगत से बचो। संगत की रंगत चढ़ती है, इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका मन प्रभु चरणों में अध्यात्म में लगे, रसिकों का संग कीजिए, प्रेमियों का, अच्छे लोगों का संग। चौथी बात जितेंद्रियः, इंद्रियों को वश में करना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन दिन को संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। ये जो इंद्रियां हैं इन पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इंद्रियों को वश में नहीं कर पाए तो भी मन एकाग्र नहीं होगा। ये दसों इंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय,
ये दसों इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। आंख कहती है अच्छा दृश्य चाहिए, नई मूवी लगी है चलो देख। कान कहते हैं अच्छे अच्छे गीत, नया गाना आया है जरूर सुनेंगे। जीभ कहती है पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, मोमोज चाहिए। ये दसों इंद्रियां अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं, तो कैसे मन एकाग्र होगा? इंद्रियों को वश में करना। जीभ जो कहे मैं जीभ को नहीं दूं, मैं जो कहूं जीभ वही खाए, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है जीभ रसगुल्ला मांगती है, दो जीभ को रसगुल्ला, पर कैसे देना है वो रसगुल्ला? पहले अपने कन्हैया को भोग लगाओ और तब जीभ को पवाओ वो रसगुल्ला। जीभ को रसगुल्ला मिलेगा, स्वाद मिलेगा, लेकिन कृष्ण का प्रसाद मिलेगा, तो उस रसगुल्ले से भी बेड़ा पार हो जाएगा। कान कहते हैं अच्छा संगीत चाहिए, दो संगीत, भगवान के भजन सुनाओ, कृष्ण के भजन सुनाओ। कानों को संगीत मिलेगा पर भगवान के भजन मिलेंगे, आध्यात्मिक गीत मिलेंगे, उससे बेड़ा पार हो जाएगा। आंख कहती है अच्छी चित्र चाहिए, अच्छी मूवी चाहिए, दो आंखों को चित्रण, लेकिन कैसा दर्शन? हीरो हीरोइन के फोटो मत दिखाओ, बिहारी जी का चित्र दर्शन कराओ। आंखों से कहो ले तुझे देखना है ना, बिहारी जी से सुंदर तुझे कौन मिलेगा? इसलिए अपने घर के कमरे में भी जिसमें आप सोते हैं ना, तो सामने की दीवार पर ठाकुर जी का चित्रपट लगाओ। प्रातः काल जब जागो और नेत्र खुले तो सबसे पहले बिहारी जी का दर्शन। भगवान कोई और चित्र नहीं, ठाकुर जी का चित्र लगाओ। भगवान का जो जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं या जो आपको सबसे बढ़िया, राम जी अच्छे लगते हैं, चाहे भोलेनाथ, चाहे गणेश जी, चाहे देवी मैया, जो आपको भाता हो, परमात्मा का चित्र लगाओ। सवेरे सवेरे उठे तो सबसे पहले दृष्टि वहां जानी चाहिए। मैं इंद्रियों के कहने पर ना चलूं, इंद्रियां मेरे कहने पर चले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिसने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, समझ लो उसका मन एकाग्र हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग श्रवण कराया, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा बाप सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने अपने दसों अंगों से दस ऋषियों को उत्पन्न किया, लेकिन सृष्टि उत्पत्ति में कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी को चिंता हुई और ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के आधे आधे भाग से स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट किया। आधे भाग से स्त्री, आधे भाग से पुरुष। जो पुरुष है वो है मनु और जो स्त्री है वो है शत्रुपा। मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा बाप सृष्टि उत्पन्न करो, मनु शत्रुपा सृष्टि उत्पन्न करने के लिए चले, तो कहते हैं हिरण्याक्ष नाम का राक्षस आया और पृथ्वी को चुराकर रसातल में ले गया। ब्रह्मा जी से जाकर मनु ने कहा महाराज कहाँ सृष्टि करें, पृथ्वी नहीं है, सृष्टि कैसे होगी? तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, तभी उनको छींक आई और नासिका से छोटा सा सूकर वारहा रूप प्रकट हुआ। भगवान ने वारहा अवतार लिया। बोलो वारहा भगवान जय हो। देखते ही देखते जिन्होंने विशाल रूप धारण किया, भगवान ने हिरण्याक्ष का संहार किया, पृथ्वी को लाकर ब्रह्मा को सौंपा। अब आप सृष्टि उत्पन्न कीजिए। ब्रह्मा ने वो पृथ्वी मनु को दी, तब मनु और शत्रुपा के द्वारा ये मानवीय सृष्टि उत्पन्न हुई। मनु से जो भी संतान हुई वो हम सभी मानव कहलाए। पति पत्नी के द्वारा सर्वप्रथम तीन कन्याएं, दो पुत्रों का जन्म हुआ। जो कन्याएं थी वो आकुति, देवहूति और प्रसूति। जो पुत्र हैं वो हैं राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपा।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर माता सती का प्रागट्य हुआ, जिनका विवाह दक्ष ने शिव के साथ में किया, शिव को कभी भी दामाद नहीं माना, अपमान करता था शिव का। सती ने अपने पिता के द्वारा शिव का अपमान देखा तो सती ने यज्ञ मंडप में अपने प्राणों का परित्याग किया, पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शंकर को स्वीकार किया। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ में हुआ, जिनके यहाँ पर कपिल भगवान का अवतार हुआ। सबसे पहले देवहूति को नौ कन्याएं जन्म लेती हैं। चाहती कि पुत्र होना चाहिए, लेकिन पुत्र नहीं, पुत्रियां हो गईं, और वो भी एक दो नहीं, नौ नौ बेटियों का जन्म हुआ। हम लोगों की भी इच्छा होती है कि बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। बेटा होता है, ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, और बेटी हो जाए तो उत्सव बनता है। बताओ, सबके चेहरे उदास हो जाते हैं, क्यों? बेटी हुई है घर में। पुत्र के जन्म पर जितना खुशियां हम मनाते हैं, पुत्री के जन्म पर क्यों नहीं? पुत्र के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है, और पुत्री के जन्म पर वही ढोल, वही नगाड़े, वही उत्सव क्यों नहीं होता? सबके मन में चाह क्यों होती है कि बेटा ही होना चाहिए, बेटी नहीं? एक बात का ध्यान रखना, समाज में जितना आवश्यक पुत्र का होना है, उससे भी ज्यादा जरूरी पुत्री का होना है। मैं यहाँ पर पुत्र का विरोध नहीं कर रही हूँ। आप लोग कहोगे खुद कन्या है इसलिए कन्या की बड़ाई कर रही हूँ, खुद लड़की है इसलिए लड़कियों के बारे में ज्यादा बोल रही हूँ। मैं यहाँ पर बेटे का पुत्र का विरोध नहीं कर रही हूँ। बेटा हो अच्छी बात है, मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि कन्या होती है तो वही उत्सव उसके जन्म पर भी होना चाहिए। ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, हमारे घर में कन्या आई है। बड़ी बूढ़ी माताएं अपनी बहू को लेकर जाती हैं, कोई महात्मा के पास में जाएंगी, कोई संत के, कोई विद्वान, कोई पंडित के पास में लेकर जाएंगी, और क्या कहेंगी? महात्मा जी, बाबा जी, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे घर में गोपाल जी आ जाए। यही तो कहते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते कि महात्मा जी ऐसा आशीर्वाद दो मेरे घर में राधा आए, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे घर में दुर्गा आए, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे घर में लक्ष्मी आए? क्यों नहीं? हम क्यों चाहते हैं कि कन्हैया ही आए, राधा ना आए? दिन और रात राधे 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 गाते हैं, लेकिन जब वही राधा कन्या स्वरूप में हमारे घर में आती है तो हम उसका सम्मान नहीं करते, हम उसका नादर करते हैं। क्यों? सब जगह देखा जाता है पुत्र की चाह, लेकिन पुत्री की चाह नहीं है। कचरे में फेंक दी जाती हैं बेटियां, अनाथालय के पालने में छोड़ दी जाती हैं बेटियां, मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी जाती हैं बेटियां। बेटे क्यों नहीं छोड़े जाते? बेटे क्यों नहीं फेंके जाते? कहीं सुना आपने? कभी भी सुनना, कन्या है कोई कचरे में फेंक गया, कोई मंदिर की सीढ़ियों पर रख गया, क्यों? क्योंकि वो कन्या है। अरे उस स्त्री से पूछो, उस माँ से पूछो जो जन्म देती है संतान को, नौ महीने अपनी कोख में रखती है। अरे पुत्र हो या पुत्री, उसको तो बराबर कष्ट होता है। बेटे के जन्म पर ज्यादा कष्ट हो, बेटी के जन्म पर नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? कितनी आसान
आसानी से, कितनी सरलता से हम लोग कह देते हैं, ओहो बेटी हुई है, लड़की हुई है। क्यों? उस माँ ने कितना कष्ट सहा, उस माँ ने कितनी पीड़ा सही, तब जाकर के कन्या को जन्म दिया, तब जाकर के एक संतान को जन्म दिया। और हमने कितनी आसानी से कह दिया लड़की हुई है, बिल्कुल गलत है। नवरात्रि के नौ नौ दिन आप मैया को मनाते हैं, रिझाते हैं, जोत जलाते हैं, भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, मैया रीझ जाए, व्रत रखते हैं, फलाहार करके भूखे रहकर मैया को रिझाने का प्रयास करते हैं। पर वही माँ जब कन्या स्वरूप बनकर आपके घर में आती है तो आप उसका निरादर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि नवरात्रि के नौ दिन भूखा रहने से वो माँ हमसे कभी प्रसन्न भी होगी। मुझे नहीं लगता कि नवरात्रि के नौ नौ दिन मैया को रिझाने से मैया हमसे कभी खुश होगी। अरे वो माँ तो तब प्रसन्न होती ना कि जब मैं तुम्हारे घर कन्या स्वरूप आई तो तुम मेरा सम्मान करते, तुम मेरा आदर करते। किसे कहते हैं बेटा, किसे कहते हैं लड़का? जो लड़ लड़ करके हिस्सा मांगे वो है लड़का, है ना? बेटा जो बट दिया वो बेटा। पुत्र, पुत्र का स्थान इन दोनों से ऊंचा है। पुत्र कौन होता है? पुत्र वो होता है, माँ बाप जब बंटवारा भी कर रहे होंगे ना तो पुत्र कहेगा मुझे संपत्ति नहीं, आपके चरणों की सेवा चाहिए, आपका साथ चाहिए। पुत्र है, लेकिन पुत्री, पुत्री का स्थान तो इन तीनों से ऊंचा होता है। कितने कुलों की अपना मायका, अपनी ससुराल, दोनों घरों की लाज रखती है बेटी। बेटे से तो कभी कभी भूल भी हो जाती है, पर बेटी कभी कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहेगी जिससे मेरे पिता की बेइज्जती हो। कितने कुलों की लाज, फिर क्यों? जो जन्म देती है दानवीर को स्त्री ही है, जो जन्म देती है शूरवीर को और स्त्री ही है, जो जन्म देती है भगवंत को, परमात्मा को भी लाने वाली बेटी ही है। इसलिए बेटी का निरादर नहीं, बेटी घर में जन्म ले ध्यान देना। बेटा तो भाग्य से होता है पर बेटी सौभाग्य से होती है। जिसके सौ भाग्यों का उदय हो तब उसके घर में बेटी जन्म लेती है। इसलिए घर में कन्या आए तो राधा मान करके उसका आदर करना, लक्ष्मी मानकर उसका स्वागत करना। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिस घर में नारी का वंदन होता है उस घर में देवता रमण करते हैं, देवता वास करते हैं। इसलिए घर में नारी आए, कन्या आए तो उसका सम्मान करना। कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, राधा प्रसन्न हो जाएंगे, मैया खुश हो जाएगी, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, आपका कथा सुनना भी सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। बोलो भागवत महापुराण। देवहूति के घर में नौ नौ कन्याएं जन्म लेती हैं। कर्दम ऋषि ने मन में चाह तो थी कि पुत्र आध्यात्म जगत में एक से एक बड़ी विद्वान। कर्दम ऋषि से कहा तुम गृहस्थी का पालन करो, छोड़ छाड़ करके वन की ओर प्रस्थापो। ना शोष्यति मारुतः, आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना है तो जीव रोता है, बिलखता है, क्योंकि गर्भ नरक के समान बताया गया है। गर्भवासे समं दुःखं ना भूतो ना भविष्यति। जीव कहता है ईश्वर से, हे ईश्वर मुझे इस नरक से पार कर, हे परमात्मा मुझे इस नरक से पार कर। नौ महीना व्यतीत करना बड़ा भारी पड़ जाता है। भगवान कहते पार तो करूंगा पर पार आकर के करेगा क्या? जीव कहता है आपका भजन करूंगा,
इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा। भगवान कहते हैं आकर के भूल गया तो कहता है नहीं, आपसे वायदा करता हूँ भूलूंगा नहीं, खूब भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही 9 महीने बाद बालक गर्भ से बाहर संसार में आया तो क्या भजन करता है बताओ? करता है, भूल जाता है। कैसे भूल जाता है? मेरा तेरा में भूल जाता है। माँ कहती है मेरा पुत्र, पिता कहते हैं मेरा है, दादा कहते हैं मेरा है, दादी कहती है मेरा है, इसी मेरा तेरा में परमात्मा को भूल जाता है। भगवान कहते हैं अब तू कर ले भजन, तो कहता है कहाँ से करूँ, अभी तो घर परिवार वालों से जान पहचान कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाऊं, बोलने लगूं, सबसे परिचय हो जाए, फिर भजन करूंगा। बड़ा हो गया, बोलने चालने लगा, प्रभु कहते हैं अब तो कर ले भजन। वो कहता है महाराज जिस दिन से बोलना आया है ना, तो घर वाले कहते हैं अब इसको स्कूल में डाल देना चाहिए, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई हो जाए, तो अब पहले पढ़ाई कर लूं फिर भजन करूंगा। भगवान उसको आकर के टोकते हैं, लेकिन वो रोज भगवान को टालता रहता है, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा। जीवन बीत जाता है लेकिन उसका कल कभी नहीं आता। कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू कियो ना भजनवा कैसे बीतेगी, कबहू thank you.
कर लूं। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। पहले छोटे स्कूल में पढ़ता था, फिर कॉलेज में चला गया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई तो नौकरी काम धंधे से लग गया। भगवान कहते अब तो कर ले, भजन बोले जिस दिन से नौकरी लगी है उस दिन से ही शादी ब्याह वाले घर का चक्कर लगा रहे हैं। माता जी की इच्छा है विवाह और हो जाए बस, फिर मैं आपका भजन करूंगा। प्रभु एक बढ़िया सी कन्या देखकर शादी और करवा दे। विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने। विषयों का विष पी पी करके दिन दिन हुए दीवाने। दरवाजे पर डाल दिए और कह दिया है पिताजी काम धाम तो कुछ करते नहीं, पड़े पड़े खाते रहते हो, इसलिए अब दरवाजे पर रह करके चौकीदारी करो। अब यदि भजन करूंगा तो चौकीदारी कैसे होगी, इसलिए कैसे करूं भजन। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। कमर कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। कमान दांत सब टूटे नजर गई नजराने। खाट बिछाए द्वार पे पड़ गए, खाट बिछा दिए दरवाजे पर, और बेटा बहू क्या कह रहे हैं। खाट
भी व्यक्ति भजन नहीं करता। कब होगी बुढ़ापे के जो बाल सफेद होते हैं ना ध्यान देना हमेशा सबसे पहले जो बुढ़ापे के बाल सफेद होते हैं वो कान के पास वाले होते हैं। श्रवण समीप भय सित के साथ, क्योंकि ये जो कान के पास वाले अब यही सफेद क्यों होते हैं सबसे पहले, और क्यों नहीं होते इतने सारे बाल? क्योंकि ये जो कान के पास वाले बाल है ना, ये सफेद हो करके काले राम 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 गा कहता है। अभी तो बहुत संसार देखना है, इन आंखों से दिखाई नहीं देगा तो चश्मा लगा लूंगा, लेकिन आपका भजन नहीं करूंगा। तीसरी घंटी, दांत टूट कर गिर रहे हैं, भगवान कहते देख अब तो कर ले भजन, तेरे दांत भी टूट टूट कर गिर रहे हैं, अब भजन भी करेगा तो कैसे करेगा? राम राम भी ठीक से बोल तो सकता नहीं है, जिसके दांत टूट जाएं उसे कहो राम बोलो तो राम बोलेगा तो निकलेगा लाम, राम भी नहीं निकलेगा, क्यों? दांत ही नहीं, हवा निकल जाती है बीच में, कैसे करें बताओ? नहीं चाहते हैं ना, जिससे कि हम बूढ़े ना लगे। माताओं से पूछो, माताएं बड़ी माहिर होती हैं इस काम में। अगर किसी माता से पूछो तुम कितने साल की हो, तो 50 साल की होंगी, 5 साल कम करके बताएंगी मैं 45 की हूँ, जिससे कि सामने वाले को नहीं लगे कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ। हम चाहते ही नहीं है कि हम बूढ़े हो। बढ़िया वाली क्रीम, बढ़िया वाला पाउडर, स्वर्ण भस्मी, चवन प्राश तेज बना रहे, झुर्रियां ना पड़े, हम बूढ़े ना हो, नहीं आएगा ऐसा संभव है? जो जाती है तो आती नहीं है, और बुढ़ापा इतना वफादार है, जो आता है तो जाता नहीं है, और जाता है तो सीधा लेकर ही जा छोड़कर जाता है। कितना भी प्रयास कीजिए कि हम बूढ़े ना लगे, पर संभव नहीं है।
टमाटरों को कितना भी कोल्ड स्टोर में रखो, बच पाएंगे क्या? नहीं बचेंगे, एक ना एक दिन गलने हैं ही। इसलिए बुद्धिमानी किसमें है कि सब्जी अब्जी में डाल करके टमाटरों को ठिकाने लगाओ। काहे को बचाना चाहते हो? इस शरीर को कितना भी आप बचा करके रखना चाहो कि मैं बूढ़ा ना हूं, मैं मरूं नहीं, पर ये संभव है? तो फिर बुद्धिमानी किसमें है कि अब आप समझ रहे हैं कि मेरा चौथापन आ रहा है, तो इस शरीर को ठिकाने ही लगाइए, भजन साधन में लगाइए, धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक मार्ग में, भगवान की भक्ति में लगाइए। यदि कुछ अच्छा कार्य धार्मिक कार्य दूसरे यदि कुछ अच्छा कार्य धार्मिक कार्य दूसरों का हित करके जाओगे, तो आपके जाने के बाद भी लोग आपके नाम को याद करेंगे। फलाना व्यक्ति चला गया, लेकिन उसने अपने जीवन काल में बहुत कुछ अच्छा किया। अमर हो जाते हैं वे लोग। मीरा, आज भी मीरा को याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? कोई भी भजन मीरा के बिना, मीरा के नाम के बिना पूरा नहीं होता है। जहां गिरधर का नाम आता है, वहां मीरा की स्मृति आती है। कबीर दास, रैदास, तुलसीदास, सूरदास, नेत्रहीन थे सूरदास, आंखें नहीं थी, मेरे ठाकुर ने पीली पोशाक पहनी, आज मेरे ठाकुर ने नीली पोशाक पहनी, जबकि नेत्र नहीं थे, लेकिन बाहर की आंख नहीं थी, भीतर की आंखें थी, भाव से प्रेम था, श्रद्धा थी। आज भी कोई पद गायन की बात आती है तो सूरदास के नाम के बिना कोई पद पूरा नहीं होगा। प्रेमी होगा जो, भक्त होगा, भगवान उसी को मिलते हैं। एक बार किसी ने पूछा भगवान से कि आपको कौन से लोग पसंद आते हैं, ज्ञानी, वैरागी या प्रेमी, भक्त? किन लोगों को आप ज्यादा पसंद करते हो? तो भगवान ने कहा, देखो भाई, सीधी सी बात, एक माता के तीन बेटा हैं, तीन पुत्र हैं, बड़ा छोटा। अब माता को कहीं फंक्शन में जाना हो, कहीं बाहर जाना हो, घूमने फिरने जाना हो, तो कौन से बेटे को साथ लेके जाएगी? बताओ, आप सब माताएं हैं, कौन से बेटे को साथ लेके जाओगे? तीनों को नहीं ले जा सकते, किसका नंबर आएगा? छोटे बेटे को। क्यों क्यों लेके जाओगे? ये छोटा है, इसलिए इसको साथ लेकर जाना चाहिए। बड़ों को, बड़े को या मझले को क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि बड़ा जो बेटा है, माँ को पता है ये समझदार है, मेरे पीछे ये घर संभाल लेगा। इसको साथ ले जाऊं, छोटे को छोड़ जाऊं, तो वो घर नहीं संभाल सकता है, इसलिए माँ छोटे को साथ लेकर जाती है, बड़े को मझले को छोड़ देती है। क्यों? उसको पता है ये घर संभाल सकती है। तो बड़ा जो बेटा है वो ज्ञानी है, उसको छोड़ देती है माँ, उस पर जिम्मेदारियां छोड़ देती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरी पीठ पीछे ये सब संभाल देगा। बीच वाला जो मझला वाला बेटा है वो वैरागी है, ये करे ना करे तो भी ठीक है, चल जाएगा। लेकिन छोटा जो बेटा है वो भक्त है, वो प्रेमी है, इसलिए माँ का ज्यादा लगाव छोटे से होता है, क्योंकि ये मेरा छोटा पुत्र है, इसलिए वो अपने छोटे बेटे, छोटा बेटा कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी माँ का दुलारा होता है, लाडला होता है। भगवान कहते हैं, उसी प्रकार जो ज्ञानी और वैरागी हैं, उनको तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन जो भक्त है, प्रेमी है, सबसे छोटा वाला है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता, उसको मैं हर समय अपने हृदय से लगा कर रखता हूँ। ज्ञानी वैरागी तो उद्धार कर सकते हैं, उनको पता है, उनको छूट दे दी जाती है, पर जो प्रेमी है, जो भक्त है, भगवान कहते उस पर दृष्टि ज्यादा जाती है। इसलिए प्रेमी बनिए, भक्त बनिए, जिससे कि परमात्मा की नजर हम पर बनी रहे, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान।
जय हो। भक्त के लिए जिस प्रकार माँ अपने छोटे बेटे को अगर कुछ गलती भी कर दे तो माफ कर देती है, बड़ा गलती करता है तो डांट पड़ती है, पर छोटा गलती करे तो उसको माफी मिलती है कि वो छोटा है, इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को माफ करते हैं। ज्ञानी वैरागी को माफ नहीं करते जल्दी से, पर भक्त को माफ कर देते हैं। ऐसे ही एक भक्त थे हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के भक्त, जिनका नाम था सदना कसाई। काम था उनका कसाई का, मांस बेचते थे। लेकिन जब मांस बेचते थे तो एक पलड़े में मांस रखते थे और दूसरे पलड़े में शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान जानते हो आप? देखें, काले काले गोल मटोल, जामुन जैसे, जैसे जामुन होती है ना बड़ी बड़ी मोटी मोटी, ऐसे ही शालिग्राम भगवान होते। जैसे हमारे कन्हैया बैठे हैं, इनके तो आंख नाक कान मुंह सब दिख रहे हैं, शालिग्राम भगवान का नहीं दिखता कुछ भी, आंख नाक कान मुंह नहीं, काले काले गोल मटोल। तो सदना कसाई, उसको ज्ञात नहीं था कि ये भगवान है, वो तो पत्थर समझ करके तराजू के एक पलड़े में उनको रखता, दूसरे पलड़े में मांस रखता और अपना व्यापार चलाता था। अब आप देखिए कि मांस भक्षण करने वाला भी भक्त नहीं कहलाता। सनातन धर्मी वैष्णव जो है, भक्त जो है, मांस भक्षण मदिरा ये सब कार्यों से उसको दूर रहना चाहिए। अब आप कहोगे व्यास जी आप ये कौन से भक्त की बात बता रहे हो जो तू मांस तोलता है और एक पलड़े पर भगवान को रखा है। ये ऐसा ही भक्त था, लेकिन जब वो मांस तोलता था तो कीर्तन किया करता था, भजन गाता था, गुणगान करता था। और कीर्तन मेरे ठाकुर सुनते थे तो ठाकुर को बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक महात्मा जा रहे थे, महात्मा की जैसे ही नजर उसकी दुकान पर पड़ी तो महात्मा ने तुरंत अपने मुख पर कपड़ा रख लिया। दुर्गंध आ रही थी, जैसे ही मुख पर कपड़ा रखा नजर गई महात्मा की तो क्या देखा कि वो मांस तोल रहा है लेकिन एक पलड़े पर उसने शालिग्राम भगवान को बिठाया है। महात्मा जी ने कहा क्या पागल हो गया, शालिग्राम भगवान को पलड़े में रखकर मांस तोलता है, क्या कर रहा है ये? दौड़ करके महात्मा गए और छीन लिए शालिग्राम भगवान। सदना कहता है क्या कर रहे महाराज, कुछ गलती हो गई, अपराध हो गया, तू पागल है? तू जानता है तूने पलड़े पर जिनको रखा एक पत्थर नहीं है, ये साक्षात परमात्मा है शालिग्राम स्वरूप में और तू इनसे मांस तोल रहा है, व्यापार चलाता है। सदना कहता है मैं नहीं जानता था, मुझे नहीं पता था, आपने बताया, अच्छा किया। वो कहते नहीं, अब मैं ठाकुर को तेरे पास नहीं छोड़ूंगा, तूने बड़ी अनीति की, बड़ा अधर्म किया। और महात्मा जी शालिग्राम भगवान को ले गए वहां से, ले जा करके पवित्र नदियों में स्नान कराया, दूध दही से अभिषेक कराया, इत्र लगाया, पुष्प चढ़ाए, फूल माला चढ़ाए, भोग लगाया और अपनी कुटिया में खूब बढ़िया तरह से चांदी के सिंहासन पर उनको पधराया, चांदी की थाली में भोग लगाया, माखन मिश्री पवाया और बढ़िया कीर्तन गुणगान करने लगे। जब महात्मा जी, हे ठाकुर जी क्षमा कर देना, मैं नहीं भेजूंगा आपको उसके पास में, मुझे सही समय पर मैंने आपको देख लिया, आज के बाद मैं नहीं जाने दूंगा, आप मेरी कुटिया में रहे। रात्रि में महात्मा जी सोने लगे तो कहते हैं शालिग्राम भगवान महात्मा के स्वप्न में आए और शालिग्राम भगवान बोले, महात्मा जी जिस सदना के घर से आप मुझे लेकर के आए हैं, मेरा निवेदन है कि मुझे उसी सदना के घर पर छोड़ करके आई है। महात्मा कहते हैं प्रभु पागल हो गए क्या? अरे वो मांस तोलता है आपसे और आप उसके घर जाना चाहते हैं? तो भगवान कहते हैं हाँ मैं उसके घर जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो मांस तोलता है क्या करता है वो तो बाद की बात है, पर मुझे इतना पता है कि जब एक पलड़े में वो मुझको रखता है और मांस तोलता है तो उस पलड़े में जब मैं लुढ़कता हूँ ना तो तुम्हारे छप्पर
अपन भोग में वो आनंद नहीं जो उसके यहाँ लुढ़कने में आने, इसलिए मुझे वहीं छोड़ाओ, मैं वहीं जाना चाहता हूँ। जब वो मुझे लुढ़काता है पल्ले में तो गीत गाता है, कीर्तन करता है, तेरे साधना में वो आनंद नहीं जो मेरी सदना के कीर्तन में है। सच्चे भाव से गाता है, बड़े प्रेम से रिझाता है। मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, छोड़कर महात्मा जी ने कहा मैं आपको नहीं जाने दूंगा, ऐसे पापी के घर में मैं आपको नहीं भेज सकता। भगवान कहते नहीं जाने दोगे तो मैं रोऊंगा, बिलखूंगा, हाथ पैर छटपटाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। जब महात्मा जी को ऐसा स्वप्न आया, महात्मा प्रातः काल लेकर के सदना के घर में पहुंचे और कहा भैया ये ले, तेरे घर से ले गया 56 भोग पवाया, नदियों में स्नान कराया, परंतु ये तो कहते कि इनको तेरे ही तराजू में लुढ़कना है, मेरे घर की माखन मिश्री नहीं भाती है, तू ही रख इनको अपने पास। छटपटा रहे हैं, रात्रि भर सोए नहीं है, भूखे प्यासे मेरा 56 भोग ठुकरा दिया, मेरा सिंहासन ठुकरा दिया। वो कहते तेरे पालड़े में ही उनको लुढ़कना है। सदना कहता है मेरे लिए इतनी छटपटाहट, मेरे लिए ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, मेरे लिए इतनी व्याकुलता, जब ये मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आ सकते हैं तो क्या मैं इनके लिए व्यापार नहीं छोड़ सकता? ये मेरे लिए 56 भोग त्याग सकते हैं तो क्या मैं इनके लिए धंधा नहीं छोड़ सकता? मेरे लिए ये सिंहासन त्याग सकते हैं तो क्या मैं इनके लिए ये काम नहीं छोड़ सकता? सदना ने शालिग्राम ठाकुर को गोद में उठाया और उसी समय अपना काम धंधा सब छोड़ दिया और जगन्नाथ प्रभु के मंदिर जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए निकल पड़ा सदना। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ये भक्त का लक्षण है और ऐसे भक्त के लिए भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं। ध्यान दें, छटपटाते हैं ठाकुर प्रेमी के लिए, भक्त के लिए। मैंने निवेदन किया था आपसे कल कि बिहारी जी का दर्शन करने हम जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर भाव सच्चा है, प्रेम सच्चा है तो मेरे बिहारी जी भी हमें देखने के लिए तरसते हैं। मेरा प्यारा नहीं आया कई दिनों से, मेरा भक्त नहीं आया, मेरा प्रेमी नहीं आया। आप कथा सुनने के लिए आते हो ना, जो प्रेम से सच्चे मन से भाव से कथा सुनता है। तो हमारे ठाकुर जी भी यहाँ बैठे ना ऊंचे सिंहासन पर, सबको देख रहे हैं। और अगर कोई देरी कर दे आने में तो कन्हैया को भी लगता होगा ये तो प्यारे बड़े भाव से कथा सुनती थी मैया, आज इतनी देर से क्यों आई, आज उनको देखना था वो आई ही नहीं। आप सच्चे मन से उसके लिए अपने आप को समर्पित करोगे तो वो भी आपके ऊपर कृपा अवश्य करेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इसलिए तो कहते हैं भक्तों के घर में भगवान हमेशा आते हैं, जब जब भक्त बुलाए वो दौड़े चले आते। कैसे आते हैं? जैसे जैसे भक्त बुलाए, जैसे प्रेमी बुलाए। सतयुग त्रेता द्वापर में ही नहीं, कलयुग में भी आते हैं। कोई कहे कि कलयुग में भगवान का दर्शन थोड़ी होता है, ऐसा नहीं है, कलयुग में भी भगवान का दर्शन होता है। बस भाव सच्चा होना चाहिए। मीरा ने पाया कलयुग में पाया, कर्मा ने पाया कलयुग में पाया। ये सत्युग त्रेता द्वापर की भक्त नहीं, सदना ने पाया कलयुग में पाया, ये सब कलयुग के भक्त हैं। इसलिए तो कहते हैं भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो।
ना घटेगा आपका आकर तो देखिए श्रवण कराया। भगवान शुकाचार्य राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन मनु के जो दो पुत्र हुए राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद, उत्तानपाद राजा के घर में ध्रुव का जन्म। अथातः कीर्तये वंश पुण्य कीर्ते गुरुद्वः स्वयं भुवस्यापि मनु हरिरंशांश जन्मन। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद किसे कहते हैं?
ऊतौ पादौ सह उत्तान पादः, जिसके ऊपर को पैर हो नीचे को सिर हो वो उत्तान पाद है, माने जो उल्टा लटका रहे। सिर्फ ध्रुव के पिता उत्तान पाद नहीं थे, संसार का प्रत्येक जीव उत्तान पाद है। कैसे? हम लोग जब मातृ गर्भ में होते हैं तो उल्टे ही तो लटके रहते हैं, ऊपर को पैर होता है नीचे को सिर होता है, हम सब उत्तान पाद हैं। दो पत्नी थी उत्तान पाद की, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने सुष्ठुर नेत्र यस्याः सह सुनीति, और सुरुचि सस्याः रुचि सह सुरुचि। जो शास्त्र की नीति को अपनाए, सुंदर नीति पर चले, वह है सुनीति। और जो अप करती है, मन माना काम करती है, वो है सुरुचि। सुनीति है बुद्धिमानी और सुरुचि है मन माना। ये काम सही है, करना चाहिए। बुद्धि कहती है, पर मन कहता है ठीक तो है पर यहाँ घाटा है। बोले ये काम करो इसमें फायदा ज्यादा है। बुद्धि कहेगी लेकिन ये तो बेईमानी का काम है, गलत काम है, कपट का काम है। तो मन कहेगा हाँ हाँ तो क्या हुआ, फायदा भी तो ज्यादा है, इसलिए यही काम करना चाहिए। जो सही गलत को ना समझे वो सुरुचि। सुनीति के हुए ध्रुव। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की आयु में, 5 महीने में जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। देव ऋषि नारद जी ने ऐसा द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया कि ध्रुव जी महाराज ने ऐसा तप किया, ऐसी साधना की, 5 महीने में ही भगवान प्रकट हो गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। अब आप लोग कहोगे महाराज ध्रुव जी को तो 5 महीने में ही मिल गए, हम लोग तो इतने सालों से भगवान को जप रहे हैं, हमें तो नहीं मिलते। ध्रुव को तो 5 साल की आयु में ही दर्शन दे दिया, हम तो बूढ़े हो गए करते करते, हर साल कथा सुनते हैं, हमें तो आज तक दर्शन नहीं दिया। ध्यान देना, ध्रुव को 5 महीने में मिले, लेकिन सिर्फ 5 महीने में ही नहीं मिले, जन्मों जन्मों की साधना थी ध्रुव की, जन्मों जन्मों का तप था ध्रुव का, जन्मों जन्मों का भजन था ध्रुव का। 5 महीने तो बाकी रह गए थे, इन 5 महीनों में भगवान मिल गए। आप कोई भी पढ़ाई करते हैं, कोई भी डिग्री लेते हैं, पढ़ाई करते करते आप मर जाएं, बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, नौकरी नहीं लगी और आप मर गए, दूसरा जन्म हुआ और जन्म लेकर के जब आप आए तो जाकर के इंटरव्यू दो और कहो भैया हमें नौकरी दो। बोले पहले पढ़ाई करो, अपने कागज दिखाओ। बोले वो तो पिछले जन्म में कर ली थी लेकिन हम मर गए थे, नौकरी नहीं लगी थी बस, इसलिए इस जन्म में हमको नौकरी दो। तो क्या संभव है? बताओ, नहीं है ना? आप कितनी भी पढ़ाई करके मर जाओ लेकिन जब दूसरा जन्म होगा तो आपको फिर से दोबारा से ABCD से ही शुरू करना होगा, काखा गाघा से ही शुरू करना होगा। चाहे आप PhD करके मर जाओ लेकिन जब दूसरा जन्म लेकर के आओगे तो फिर से 1 2 3 से ही शुरू करना पड़ेगा। दुनिया की कोई भी डिग्री जहां पर आप छोड़ करके मरो वहां से शुरू नहीं होती है, जहां आपने छोड़ दी वो वही खत्म। दूसरा जन्म लेकर के आओगे फिर आपको दोबारा से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन एक भक्ति ऐसी डिग्री है, एक भजन ऐसी डिग्री है जो आप जहां पर छोड़ते हो अगले जन्म में वहीं से शुरू होती है, शुरू से शुरू नहीं करना पड़ता। जहां आपने छोड़ा है अगला जन्म लेकर के आओगे तो वहीं से शुरू हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज ने जन्मों जन्मों साधना की थी, जन्मों जन्मों तप किया था, 5 महीने उनके बाकी थे, इस जन्म में आकर के उन्होंने वो 5 महीने भी पूरे किए, भगवान ने
उनको दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। 36,000 वर्षों तक राज्य का पालन किया ध्रुव ने और भगवान के धाम को गए, वो पद ध्रुव जी को प्रदान किया। आज भी ध्रुव जी ध्रुव तारा के रूप में हमको दर्शन देते हैं, ध्रुव तारे के रूप में चमकते हैं। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमारे नाम को याद करें। फलाना चला गया पर भक्त था, समाज सेवी था। आज भी हम भक्तों के नामों में ध्रुव को वंदन करते हैं, ध्रुव को प्रणाम। बोलिए ध्रुव जी महाराज जय हो। इस प्रकार ध्रुव के वंश का वर्णन सुनाया। परीक्षित ने एक शंका की, भगवान भेदभाव करते हैं, देवताओं को बचाते हैं, राक्षसों को मार देते हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान की दृष्टि में तो सब एक समान है। अगर भगवान भेद ही रखते कि समह प्रियः सुहृद् ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे गतं दैत्या नवधीद विषमो यथा। अगर भगवान भेदभाव करते कि देवताओं को बचाना राक्षसों को मार देना, तो राक्षसों के घर में प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद भी तो राक्षस जाति में थे, लेकिन फिर भी भगवान ने प्रहलाद का उद्धार किया। तो भगवान जात पात नहीं देखते, भगवान अध्ययन नहीं देखते, ज्ञान नहीं देखते, भगवान कुल नहीं देखते, रूप सुंदरता नहीं देखते। तो क्या देखते हैं? बोले भगवान देखते हैं तो सिर्फ भाव देखते हैं, सिर्फ प्रेम देखते हैं। प्रहलाद ने प्रभु को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए और प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए। बोलो नरसिंह भगवान जय हो। हिरण्यकश्यप ने घोर तप किया था, वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, ना ऊपर मरू ना नीचे मरू, ना अंदर मरू ना बाहर मरू, ना दिन में मरू ना रात में मरू, सृष्टि में किसी भी मनुष्य से ना मरू, 12 महीनों में ना मरू। हिरण्यकश्यप के सारे वरदानों को फेल करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए हैं, खंबे से प्रकट हो करके आए। भगवान खंबे में रहते हैं, भगवान खंबा फाड़ कर आते हैं, खंबे में रहते हैं, इसलिए प्रकट नहीं हुए भगवान। अरे भैया प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे में भगवान है, इसलिए भगवान खंबा फोड़ करके प्रकट हो गए, नरसिंह रूप धारण लेकर के आ गए। बोलो नरसिंह भगवान जय हो। हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध किया नरसिंह भगवान ने, आधा शरीर सिंह का, आधा शरीर मानव का। राजमहल की दहली पर जाकर बैठे, मारना चाहता हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा कैसे मारोगे, वरदान है बहुत सारे मेरे पास। दिन भगवान कहते देख संध्या काल दानों को फेल किया और भगवान ने दानों को फेल किया और भगवान ने हिरण्यकश्यप के सीने को बीच में से चीर दिया और उसी समय हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय हो। प्रहलाद के ऊपर कृपा की भगवान ने, प्रहलाद ने भगवान के चरणों में दंडवत किया और प्रभु से कहा भगवान मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता नरक में ना जाएं, उनको धाम मिले। कृष्ण कहते हैं पुत्र तूने सोच भी कैसे लिया कि तेरे पिता नरक में जाएंगे। बोले वो राक्षस हैं, इतने बड़े बड़े पाप कर्म किए, अत्याचार करते थे, पाप करते थे, तो नरकगामी होंगे। भगवान कहते हैं ये सब तो ठीक है, पर तेरे जैसा भक्त जिस घर में हो जाता है उसके माता पिता का उद्धार तो मैं पहले ही कर देता हूँ। तेरे जैसा भक्त जिस घर में आ जाए उसकी 21 पीढ़ियों को मैं तार देता हूँ, तेरे से भी पहले तेरे पिता को अपने धाम भेज दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद के ऊपर कृपा की।
राजा परीक्षित के सुंदर सुंदर भक्तों का प्रसंग श्रवण कराते हैं, समुद्र मंथन की कथा सुनाई, देवासुर संग्राम हुआ, देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ जहां भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का पान कराया। याद हुआ राक्षस और देवता युद्ध करने लगे, देवता अमृत पी चुके थे, अमर हो गए थे, इसलिए देवताओं की जीत हुई और राक्षसों की हार हुई। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य मुनि ने राजा बलि को संजीवनी विद्या से जीवित करके राजा बलि को उपदेश किया, अगर आप 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेते हैं तो आप स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, 99 यज्ञ बलि के पूरे हो गए, एक यज्ञ बचा है। कहते देवता और राक्षस देखो भाई भाई हैं। कश्यप मुनि की दो पत्नियां हैं दिति और अदिति, दिति से दैत्य प्रकट हुए हैं, अदिति से देवता प्रकट हुए हैं, लेकिन देवता धर्म का प्रतीक है। राक्षस उपदेश दो, कोई ऐसा अनुष्ठान व्रत बताओ जिससे कि मेरे पुत्रों का देवताओं का राज्य ना छिने। ये बलि 99 यज्ञ कर चुके हैं, एक और यज्ञ यदि कर दिया तो मेरे इंद्र का ये राज्य छीन ले, पुत्र का राज्य छीन ले। तब कश्यप मुनि ने पयो व्रत का उपदेश किया, माता अदिति ने वो व्रत किया। जैसे ही व्रत पूर्ण हुआ भगवान का अवतार हुआ, भगवान प्रकट हुए कौन से स्वरूप में, वाराह रूप। भगवान प्रकट हुए वामन रूप में, पटुक ब्रह्मचारी, वामन अंगुल के हैं वामन भगवान, छोटा सा स्वरूप है, घुंघराले बाल है, हाथ में छत्र है, कमंडल है, पैरों में खड़ाऊ है, जनेऊ धारण किया है, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं, ऐसे सुंदर वामन रूप में भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए वामन भगवान जय हो, भक्त वत्सल भगवान जय हो, जय जय श्री राधेश। राजा बलि की यज्ञशाला के द्वार पर वामन भगवान पहुंचे हैं, भिक्षा मांगते हुए जा रहे हैं। जैसे ही बलि के द्वार पर पहुंचे, दासियों ने बलि को सूचना दी आपके दरवाजे कोई ब्राह्मण आया है, 100वें यज्ञ को करने वाले हैं, बाद में कीजिएगा, पहले थोड़ा दान दक्षिणा दे दिए। राजा बलि जैसे ही दरवाजे पर आए, जैसे ही ब्राह्मण को देखा तो मन में भाव आता है कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ऐसा लगता है साक्षात नारायण ही वामन का रूप धारण करके आए। तो बलि ने कहा आप मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा। भगवान कहते हैं मैं मांगूंगा सो दोगे, बोले बिल्कुल, और कुछ तो नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी प्रदान करो। बलि ने कहा इतने बड़े राजा के पास में आकर 3 पग पृथ्वी मांगते, अरे महल मांगो, खेत खलियान मांगो, हाथी घोड़े मांगो, सोना चांदी मांगो, 3 पग में क्या करोगे। वामन भगवान कहते हैं भैया हम तो बटुक ब्रह्मचारी ब्राह्मण हैं, भजनानंदी संत हैं, बस आसन बिछ जाए बैठकर भजन कर ले, इतना ही चाहिए, ज्यादा लेकर करेंगे क्या, संतोषी ब्राह्मण हैं। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। कितना भी मिल जाए, मैंने निवेदन किया था, लेकिन ये इतना हमारा कभी पूरा नहीं होता है। कितना भी मिल जाए फिर भी भगवान के सामने इतना और मिल जाता, इतना और मिल जाता। और जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है वो 2 रोटी में भी प्रसन्न है, वो झोपड़ी में भी खुश है, और जिसको संतोष नहीं उसको बंगले में भी नींद नहीं आती है, उसको 4 पहिए की गाड़ी भी अच्छी नहीं लगती है, और जिसको संतोष है वो साइकिल पर चलने में भी खुश है, वो पैदल चलने में भी प्रसन्न है। तो यदि संतुष्टि हृदय में है, संतोष है, तो सब धन धूरी समान।
तीन पद पृथ्वी देने का संकल्प करते हैं। बलि बामन भगवान ने जैसे ही सुना विशाल रूप धारण किया, एक पग में पृथ्वी सहित नीचे के सारे लोक नाप लिए, दूसरे पग में आकाश सहित ऊपर के सारे लोक, तीसरा पग रखने की जगह नहीं। भगवान कहते हैं बलि तेरे पास देने को नहीं था, संकल्प क्यों किया? दो ही पगों में सब कुछ ले लिया, तीसरा कहाँ रखूं? बलि कहते हैं महाराज सब कुछ तो ले लिया पर मैं बचा हूँ, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखो, मेरे शीश पर रखो। जैसे ही वामन भगवान ने बलि की बातें सुनी, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु धारा बह चली। भक्त बहुत देखे, दानी बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा नहीं देखा। अरे धन दौलत देने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अपना तन भी मेरे चरणों में समर्पित कर दे ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं। राजा बलि के सिर पर भगवान ने अपना तीसरा पग रखा। बोलो वामन भगवान हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे रे झो
राजा बलि के यहाँ पर ऐसा दान लिया है भगवान बलि ने, सर्वस्व धन संपत्ति तन सब कुछ न्योछावर कर दिया। ऐसा बलि वामन चरित्र महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। बड़े ही सुंदर सुंदर भक्तों का चरित्र श्रवण कराते हुए था महाराज दशरथ की कथा और दशरथ के घर में जगराई भगवान शुकाचार्य। मैं राम कथा तो को श्रवण कराता हूँ। परीक्षित ने कहा महाराज सुनने तो कृष्ण कथा बैठा हूँ, फिर राम कथा क्यों? तो सुखदेव जी कहते बिना राम कथा के कृष्ण कथा पूर्ण नहीं है, लेकिन सुनानी कृष्ण कथा है, जरूरी है राम कथा भी सुनाए। तो सूक्ष्म में राम कथा श्रवण करा दी। 9 दिन की रामायण शतकोटि अपारा, रामायण तो इतना विस्तृत है जीवन बीत जाए सुनते सुनते फिर भी पूरी नहीं हो सकती। भागवत में परीक्षित के पास में तो इतना समय नहीं है ना, तो विस्तार से कैसे सुनाते। 2 ही अध्यायों में पूरी राम कथा श्रवण कराई। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राधेश्याम। अब समय की कमी हमारे पास में भी है, आज बारिश के कारण वैसे ही कथा थोड़ा देरी से शुरू हुई थी और घड़ी तेजी से भाग रही है, है ना? और ज्यादा समय हम भी लगा जाएं कथा में तो फिर आप लोग भी टेंशन करने लगोगे, बोले ब्यास जी छोड़ो घर भी जाना है। तो हमें भी कृष्ण जन्म करना है, नंद महोत्सव धूमधाम से मनाना है, तो आइए हम भी कृष्ण कथा की ओर अग्रसर होते हैं। भारत वर्ष में बड़ी ही सुंदर नगरी है, इसका नाम है मथुरा नगरी। कि कथितों वंश में तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। परम अद्भुत चरित्र शुकाचार्य राजा परीक्षित को कृष्ण कथा श्रवण करा दिया। कि गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत। ये पृथ्वी जब पापियों के पाप से आक्रांत हो गई तो गाय का रूप धारण करके देवताओं के साथ में नारायण के पास में पहुंची और रुदन करती हुई पृथ्वी कहती है प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। तब भगवान पृथ्वी को सांत्वना प्रदान करते हैं, चिंता मत करो द्वापर का अंत चल रहा है, मेरा अवतार होने वाला है, पृथ्वी पर मैं अवतार लूंगा और तुमको इन पापियों के पाप से मुक्त करूंगा। पृथ्वी को देवताओं को सांत्वना प्रदान की। यहाँ मथुरा नगरी के राजा हैं उग्रसेन जी महाराज। एक बार जब उनके संतान हुई बड़े बड़े भूकंप उल्कापात आने लगे, ब्राह्मणों ने कहा उग्रसेन जी से ये संतान आपके लिए ठीक नहीं है, जिसके जन्म पर इतना बड़ा बड़ा अपशकुन हो रहा है तो ये पता नहीं संतान बड़ी होकर क्या करेगी। उग्रसेन जी बोले क्या करें, मार दे बच्चे को, मारना तो नहीं चाहिए। ब्राह्मण बोले बाल हत्या तो अपराध है, लेकिन इसको आप ऐसा करो टोकरी में रख करके जमुना में बहा दो। एक टोकरी में रख करके जल प्रवाह कर दिया। उसी यमुना में मथुरा नगरी से आगे एक नगरी पड़ती है बटेश्वर नगरी, जहाँ के राजा है शूरसेन जी महाराज। संध्या वंदन कर रहे थे, टोकरी बहते बहते टकराई पैरों से, नेत्र खुले तो छोटे से बालक को देखा, अपने राज महलों में लेकर गए और उसका नाम रखा कंस। शूरसेन जी के पहले से एक पुत्र था जिसका नाम था वसुदेव। कंस का भी लालन पालन हुआ तो दोनों में मित्रता हो गई। कंस जब बड़ा हुआ तो नारद जी ने उसको आकर बताया कि तू शूरसेन जी का नहीं उग्रसेन का बेटा है, ब्राह्मणों के कहने पर तेरे पिता ने बचपन में ही तुझे जमुना में फेंक दिया था। तभी से कंस ब्राह्मणों से नफरत करने लगा, हाथ में तलवार उठाई, मथुरा नगरी पर चढ़ाई कर दी, उग्रसेन जी को सिंहासन से नीचे पटक दिया, कारागार में बंद कर दिया। जो ज्यादा बोले उसको कारागार में बंद कर देता है और बिना किसी के बनाए खुद ही मथुरा का राजा बन गया।
अत्याचार पाप करने लगा, सबसे नफरत करता था। पर कंस की चचेरी बहन देवक की बेटी देवकी, देवकी से बड़ा स्नेह रखता था। विवाह के योग्य हुई, शूरसेन जी के पुत्र वसुदेव के साथ में देवकी का ब्याह रचाया। धूमधाम से उसको ससुराल छोड़ने जा रहा है, विदा करने जा रहा है। जंगलों के रास्ते से जब गुजरता है, हाथ में लगाम पकड़ी है, रथ चला रहा है, तभी आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को खुशी खुशी विदा करने जा रहा है, इसी देवकी का आठवां पुत्र तेरी हत्या करेगा, इसी देवकी की आठवीं संतान तुझे मारेगी। कंस ने सोचा, ना रहेगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, देवकी नहीं रहेगी तो बालक जन्म कहां से लेंगे। केश पकड़े देवकी के, रथ से नीचे पटक कर मारने को तैयार हुआ, तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करते, बहन है तुम्हारी, विवाह का शुभ समय, मेहंदी भी नहीं छूटी थी, और तुम इसको मारने जा रहे हो। कंस ने कहा, सुना नहीं अभी अभी क्या कहा आकाशवाणी ने कि इसकी संतान मेरी हत्या करेगी, तो इसी को मार देता हूँ। वसुदेव कहते, ऐसा मत करो, मैं वचन देता हूँ, देवकी के जितने पुत्र होंगे मैं लाकर तुम्हें सौंपूंगा, पर इसे छोड़ दो। कंस ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को मेरे कारागार में बंदी बनकर रहना पड़ेगा, अपने ही घर में बंदी बन करके कारागार में रह रही है देवकी। प्रथम संतान को जन्म दिया वसुदेव जी, लेकर के गए कंस के पास में। जैसे ही कंस ने बालक को उठाया तो दया आ गई, ये तो पहला है, आकाशवाणी ने कहा था आठवां मेरी हत्या करेगा, ले जाओ वसुदेव, जब आठवां हो तो ले आना। नारद जी खड़े खड़े सब देख रहे थे। नारद जी ने सोचा, पहले को मारेगा नहीं तो आठवां आएगा कहां से, पहला तो मरना जरूरी है। तो नारद जी ने कंस को समझाया, तुम देवताओं की चाल नहीं समझते, वो कुछ भी कर सकते हैं, पहले को आठवां बना सकते हैं, आठवें को पहला बना सकते हैं। तो कंस ने कहा, मार दूं? नारद बोले, अब मारो चाहे छोड़ो, ये तुम्हारे ऊपर है, हम तो तुम्हें सीख देने आए थे। कंस दौड़ करके गया कारागार में, जाकर पहले बालक को गोद में उठाया, धरती पर धड़ाम से पटका, प्रथम शिशु की हत्या कर दी। दूसरा हुआ दूसरे को, तीसरा तीसरे को, चौथा चौथे, निरअपराध देवकी के छह पुत्रों की हत्या कर दी। सातवें कौन आए बताओ? बलराम जी महाराज। जैसे ही मातृ गर्भ में आए तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया, संकर्षण द्वारा खींच करके इस बालक को ले जाओ और वहां गोकुल में नंद बाबा के यहाँ वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी रह रही है, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया कहते, क्यों महाराज, जन्म होने दो। भगवान कहते, नहीं, शेषनाग का अवतार है, अगर कंस इनको मारने के लिए आया तो ऐसी फुसकार मारेंगे कि एक ही फुसकार में कंस का राम नाम सत्य हो जाएगा, और इन्होंने कंस को मार दिया तो फिर मेरा जन्म कैसे होगा, इसलिए ले जाओ यहाँ से। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी ने जन्म लिया। बोलिए बलराम जी महाराज जय हो। आठवें कौन आए, कौन आए, थोड़ा जोर से बोलो, बाल कृष्णलाल। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भादों का पावन महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, रात्रि के 12 बजे, और भगवान ने कंस के कारागार में अवतार लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ। माता देवकी से बोले, मैया ठीक लग रहा हूँ, जन्मों जन्मों साधना की थी तूने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, बन गया तेरा बेटा। देवकी मैया बोली, ठीक तो लग रहे हो, पर बेटा ऐसा थोड़ी होता है, बालक जन्म लेता है तो चार चार हाथ लगाकर नहीं आता, दो हाथ वाला होता है, ये हटाओ, दो एक्स्ट्रा लेकर आ गए, छोटे से बालक बन गए, अब ठीक है। मैया बोली, जब बालक जन्म लेता है तो वस्त्र आभूषण पहन कर नहीं आता, नग्न होकर आता है, उतारो ये सब।
नन्हे मन में शिशु बन गए भगवान। वसुदेव जी को सारी बातें समझा दी, मुझे ले जाना गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ आना, वहाँ कन्या को जन्म दिया है यशोदा मैया ने, कन्या को ले आना। वसुदेव जी ने जैसे ही प्रभु को गोद में उठाया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, योग माया से सूप प्रकट हुआ, सिर पर रखा है सूप में प्रभु को बिठाया, ले चले हैं गोकुल की ओर। सारे ताले खुल गए हैं, सारे पहरेदार सोए हैं, मथुरा के गलियों बाजारों से रात्रि के 12 बजे भगवान गोकुल नगरी की ओर जा रहे हैं। यमुना पार की है वसुदेव जी ने, जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, नंद महल में प्रवेश किया, यशोदा मैया ने कन्या को जन्म दिया है। वसुदेव जी ने बालक को सुलाया, कन्या को उठाया। प्रातः काल नंद बाबा की दो बहन नंदा और सुनंदा, जो 6 महीना पहले से ही डेरा डाल के बैठी हैं, हमारी भाभी के बालक होने वाला है, लाला हो गया तो खूब बधाई मिलेगी, इसलिए प्रार्थना कर रही है, हे भगवान लाला हो, हे भगवान छोरा हो। आज मैया जसोदा के कक्ष के बाहर से जैसे ही झांकती हुई निकली, अरे मैया ने बालक को जन्म दिया है, दौड़ करके गई है, कपड़ा हटा कर देखा तो क्या देखा मैया ने, बहुत सुंदर से बालक को जन्म दिया है। दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास में गई, भैया भैया हमारी भाभी ने सुंदर से बालक को जन्म दिया है। नंद बाबा की खुशी का ठिकाना ना रहा, 9 लखा हार उतारा और बहनों के गले में बधाई स्वरूप डाल दिया। जमुना में स्नान किया, पीली पीली धोती पहनी, पीली पीली पगड़ी बांधी, पीला पीला चंदन लगाया और ब्रजवासी ग्वाल से बोले, लाला नेक दर्पण तो लेके आ, देखूं तो सही मैं कैसो लग रहे हूँ। वाल वाल बोले, 85-85 साल की आयु में भी 16 साल के छोरा लग रहे हो, बुढ़ापे में भी जवानी आ रही। दौड़े दौड़े मैया जसोदा के पास में पहुँचे, मैया को बधाई दी, लाला को हृदय से लगाया, पूरा गोकुल मंडल सबके कानों में ये बात पहुंची। वहाँ ग्वाले ने पीले पीले लहंगे पहन कर आती है, मैया को बधाई देती है, पीले पीले लहंगे पहन कर आती है, मैया को बधाई देती है, ग्वाल बाल नंद बाबा को बधाई देते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं गोकुल नगरी की ओर, नंद बाबा और मैया जसोदा को बधाई देते हैं, बधाइयां गाते हैं, बजाते हैं और प्रभु की सुंदर सी झांकी का दर्शन करते पहुंची। वहाँ ग्वाले ने पीले पीले लहंगे पहन कर आती है, मैया को बधाई देती है, ग्वाल बाल नंद बाबा को बधाई देते हैं। तो आइए हम भी चलते हैं गोकुल नगरी की ओर, नंद बाबा और मैया जसोदा को बधाई देते हैं, बधाइयां गाते हैं, बजाते हैं और प्रभु की सुंदर सी झांकी का दर्शन करते हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल जय हो, नंद की लाला की जय हो। जोर से जयकारा लगाओ भैया, कन्हैया का जन्म हुआ है तो कन्हैया को पता भी लगना चाहिए ना कि सब लोग प्रेम से मेरा स्वागत कर रहे हैं। बोलो नंद के लाला की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। आज मथुरा देवी चे अवतार हो गया श्याम का जया, आज ओ श्याम का जय हो, श्याम का जय।
हो। मेरा निवेदन है जो सामने बच्चे खड़े हैं मोबाइल वाले, हाँ थोड़ा सा पीछे से आप फोटो खींचो, सबको दर्शन होगा और आप भी अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। हमारे यजमान जी ने ठाकुर जी का पूजन कर लिया है, जो भी भक्त चाहे आकर के पूजन कर सकते हैं, लेकिन आराम से बैठ करके दर्शन करो जिससे कि सबको हो, और जिसका भी नृत्य करने का मन करे वो अपने स्थान पर ही खड़े होकर के नृत्य भी करो। बोलो नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही लाला जायो है।
चोरी लीलाओं का हम श्रवण करेंगे और गिरिराज पूजन करेंगे, छप्पन भोग लगाएंगे, गिरिराज जी का भी सुंदर दर्शन करेंगे। तो अधिक से अधिक संख्या में जो लोग आज तक नहीं आए हैं उनको भी लेकर के आना। वैसे आज थोड़ा सा रश कम ही रहा क्योंकि मौसम भी खराब था। विश्वास तो था कि कल से दुगने लोग आज आएंगे, परंतु कोई बात नहीं, जैसी ठाकुर जी की इच्छा। फिर भी बहुत आनंद हम आप सभी ने लिया। तो कल सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को श्रवण करने के लिए, गिरिराज पूजन करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में हम आप सभी यहाँ पर समुपस्थित होंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, नंद की लाला की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सुनंद सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादाक्ष बहावे सहस्त्र नाम ने पुरुषाय सास्तवे सहस्त्र कोटि युग धारणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
बोलो नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की जय, जय श्री राधे। खूब सुंदर उत्सव धूमधाम से हमने मनाया। हमारे यजमान जी जो आज के यजमान हैं, जो नंद बाबा बने हैं, वो बधाई दे रहे हैं। थोड़ा सा उनको समय लग रहा है, आइए दो पंक्ति जब तक हम बधाई गा ही लेते हैं, तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर के हम सभी अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बोलो नंद के लाला जय हो। हुआ ब्रज मंडल में शो, चलो सब नंद महल की ओ, जन्म लियो कान्हाने कान्हाने, जन्म लियो कान्हाने कान्हाने, जन्म लियो कान्हाने। जन्म लियो कान्हाने, जन्म लियो कान्हाने।
जय 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 श्री राधेश। वही प्रेम और श्रद्धा के साथ ठाकुर जी की आरती का दर्शन करते हैं। कल आप सभी कथा के मध्य में भगवान की सुंदर सुंदर ब्रज भाषा में माखन चोरी लीलाओं का श्रवण करेंगे और गिरिराज पूजन भी करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।